वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 18 जून 2021 और 18 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक यहां पर जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाकर एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नल जल योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार कौन इसके अनुरक्षक होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्ड सदस्य। और ये सारे फैक्ट यहाँ से जो निकल के आए थे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ध्यान रखेगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। और यहाँ पे मैंने आपको एक बात ये भी बताया था, वार्ड सदस्य अगर इसके अनुरक्षक बनने से इनकार करते हैं तो वार्ड सचिव जो होंगे उनको इसका अनुरक्षक बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ रोजाना वीडियो को देखिए, रोजाना चैनल पर ये वीडियो अपलोड होता है, सभी को मतलब देखिए और आदत बनाइए कि आप रोज सुबह से देख पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 9 जून को बलिदान दिवस जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस और 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस जो कि 2021 में यानी 11 जून 2021 को लालू प्रसाद के 74वें जन्मदिन के अवसर पर यह सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। और इसका जो थीम था G7 शिखर सम्मेलन का यह था टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, और 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, और आज है 18 जून और आज है गोवा क्रांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। तो ये सारे प्रमुख दिवस व तिथियों को आप यहाँ से याद रखिए, थीम वाला सेक्शन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये सारी चीज आप यहाँ से याद रखिए। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। और आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो इसका नोट जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम से 100% स्ट्रांग होगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी पहले प्रश्न की ओर, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि यहाँ से आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटने पाए। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए राज्य के लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। तो खेल विश्वविद्यालय में लड़कियों के नामांकन के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का घोषणा किया गया अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर इसके बारे में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय में यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नामांकन में 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है बिहार के लड़कियों के लिए, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे के राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में किस जिले में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है, तो यह राजगीर में किया जा रहा है। और यहाँ पर आगे है इसका निर्माण यानी कि ये खेल विश्वविद्यालय जो है इसका निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे आगे है इसमें सभी प्रमुख खेलों से मतलब कि जुड़ा कोर्स होगा, जो भी प्रमुख खेल होंगे उनसे जुड़े कोर्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे और इससे एक तो राज्य में बेहतर खिलाड़ी बनेंगे और दूसरी ओर खेलकूद के क्षेत्र में रोजगार भी मिल सकेगा। तो ये सारे जुड़ी जानकारी यहाँ से आप याद रखिएगा। राज्य की लड़कियों को मतलब यहाँ पे जो नामांकन जब प्रारंभ होगा यहाँ पे राजगीर में जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है तो वहाँ पर 1/3 मतलब आरक्षण देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसका ध्यान हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा ने किसे सदन में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में अधिसूचित किया है।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुपति कुमार पारस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान के स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, ये चिराग पासवान के स्थान पर ये मतलब की मान्यता दिया गया है। अब यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना आपको कि पशुपति कुमार पारस जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, तो ये पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, यानी कि ये चिराग पासवान के चाचा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना। और ये हाजीपुर से पार्टी के सांसद भी हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट को ऐड किया गया है कि जनवरी 2021 में स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये जनवरी करंट अफेयर्स में मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे बताया था। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हाल ही में पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान के स्थान पर ओम बिरला जो ये लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय नेता के रूप में मतलब संसदीय दल के नेता के रूप में अधिसूचित किया गया, मान्यता प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग और UNDP इंडिया के द्वारा तैयार की गई भारत के आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला शामिल है। तो टॉप 20 जिलों के रैंकिंग की अगर बात किया जाए तो इसमें बिहार के 3 जिले शामिल हैं। इसमें आपको बताऊं मुजफ्फरपुर, अररिया और औरंगाबाद, ये तीनों जिले इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा इस प्रश्न का ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई थी। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत जो हुआ था ये कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये 2018 में किया गया था। और यहाँ पे आ गया कि जिसके तहत बेहद पिछले जिलों के लोगों का जीवन स्तर उठाने के साथ साथ उसका सबका समावेशी विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आ गया कि नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की ओर से जारी इस वर्ष इस रिपोर्ट में आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में पहले स्थान पर रांची और दूसरे स्थान पर चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, ये दोनों पहले और दूसरे स्थान पर अपना जगह को कायम किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मतलब सूची में इस टॉप सूची में अगर टॉप 20 की बात किया जाए तो बिहार के 3 जिले शामिल हैं। और इसमें देखेंगे मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर को 13वां स्थान मिला है और अररिया को 15वां स्थान, और वहीं पे औरंगाबाद की अगर बात किया जाए तो ये 16वां स्थान मिला, यानी कि कुल 3 जिले ये टॉप 20 जिले में शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर, अररिया और औरंगाबाद ये आकांक्षी जिलों की मतलब टॉप रैंकिंग में शामिल है, टॉप 20 में शामिल है। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि हाल ही में मई 2021 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। तो मई 2021 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो जीता है ये मुशफिकुर रहीम है, बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इन्होंने ही मतलब ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में ICC ने मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को चुना है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे आगे लिखा गया यह पहली बार है जब किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आप याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बांग्लादेश के प्लेयर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, यहाँ पर ये याद रखना आपको। और यहाँ पे आगे है और ICC वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ स्कॉटलैंड के कैथरीन ब्रेस को चुना गया है। आप यहाँ पे जो इस इमेज में देख रहे हैं ये मुशफिकुर रहीम है जो कि बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और यहाँ पे दूसरे इमेज में जो देख रहे हैं ये है स्कॉटलैंड के कैथरीन ब्रेस, ये दोनों को मई 2021 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आ गया है कि इस अवार्ड को सबसे पहली बार भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने नाम किया था जो कि जनवरी 2021 में इसे प्रदान किया गया था। और वहीं पे अगर फरवरी की बात किया जाए तो फरवरी में रविचंद्रन अश्विन को ये अवार्ड दिया गया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि अप्रैल 2021 के विजेता पाकिस्तान के बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हेली थे। ये सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूँ, जब ये घोषणा होता है जब ये दिया जाता है तब मैं आपको इस बारे में जरूर बताता हूँ। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखिएगा, 2021 में पहली बार जनवरी 2021 में ऋषभ पंत को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। और दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर आपको लगे कि वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक का, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाइए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको पांचवें प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे बात आई है ICC की, तो ICC से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। ICC का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ICC का सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका मोटो क्या है, तो अच्छाई के लिए क्रिकेट इसका ये मोटो है। और ICC का स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसमें सदस्य देशों की बात किया जाए तो 104 सदस्य देश हैं और आधिकारिक भाषा जो ICC की है अंग्रेजी। और अभी वर्तमान में ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और CEO की बात किया जाए तो मनु सहनी ये भारत के हैं। तो इतनी सारी जुड़ी जानकारी ICC से भी आपको याद रखना है।
चलिए उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फेसबुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल लॉन्च किया है, और इस पहल को रिपोर्ट इट यानी ये पहल जो है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट का आरंभ जो किया गया है ये इंडिया इनिशिएटिव, साइबर फिश फाउंडेशन और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से किया गया है। ये आपको यहां से याद रखना है। और यहां पे आगे लिखा गया है इस पहल को एक एनिमेटेड वीडियो के साथ शुरू किया गया था जो कि नेत्रहीन रूप से नकारात्मक प्रभाव को बताता है कि बाल दुर्व्यवहार सामग्री का प्रसार उस बच्चे पर हो सकता है जो ऐसी सामग्री का विषय है। तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहां से आप याद रखिएगा। और यहाँ पे बात है फेसबुक की, तो फेसबुक के बारे में आप याद रखिए, फेसबुक एक अमेरिकी कंपनी है। इसका स्थापना जो किया गया था ये मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था द फेसबुक। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14 से 16 जून 2021 को किस राज्य में राज्य महोत्सव मनाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि राज्य महोत्सव हर साल 14 से लेकर के 16 जून तक मनाया जाता है, और यह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस दौरान कुंवारी लड़कियां घर का कोई भी कामकाज नहीं करती है, हाथ में मेहंदी लगाकर चूड़ियां और नए कपड़े पहनकर मीठा पान चबाते हुए अपने साथियों के साथ पूरी तरह से मौज मस्ती करती है। कुंवारी लड़कियां झूला झूलने के साथ कैरम ताश खेलने के साथ सिनेमा भी देखती है, ये भी बात ध्यान रखें। और यहाँ पे आगे है कि प्रत्येक घर में मेहमानों का आगमन होता है और हर घर में मीठा पकवान खास रूप से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप याद रखिए, प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में 14 से 16 जून को मतलब ये रज महोत्सव मनाया जाता है। हालांकि ये दो दिन का ही होता है, अगर ये आपको दो दिन के बजाय 5 से 7 दिन या फिर 1 महीने के लिए हो तो लड़कियां पूरी तरह से टपोरी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो लिखा है कि मीठा पान चबाते हुए मतलब अपने साथियों के साथ मौज मस्ती करते हुए कैरम खेलती है, ताश खेलती है और सिनेमा देखने भी जाती है। हालांकि ये मेरा मतलब इस तरह से टिप्पणी है, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ से याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए राज्य महोत्सव में क्या क्या चीज़ें होती है तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता है एग्जाम में पूछा जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि ये राज्य महोत्सव उड़ीसा का त्यौहार है और प्रत्येक वर्ष 14 से लेकर के 16 जून तक मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए यहाँ पे बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में उड़ीसा की स्थिति है, और उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है, और उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ राज्य है, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी भी, ये भी ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे पॉइंट है कि यह उसी प्राचीन सम्राट उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग की आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था, और इस युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यतीत होकर अंततः बौद्ध धर्म का अंगीकार किया गया था अशोक के द्वारा। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, कलिंग युद्ध जो हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसी युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उसकी तबाही को देखते हुए मतलब कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी बात आप याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। पुत्र जो पुत्र का नाम है ये है महेंद्र, और पुत्री जो थी संघमित्रा, ये दोनों को मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा था, ये भी बात आप याद रखिए। और यहाँ पे आगे है कि आधुनिक उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को भारत के एक राज्य में हुए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। और उड़ीसा की राजधानी आपसे जानते हैं ये भुवनेश्वर है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है, और वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हाल ही में हटा दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंकित चौहान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है, ये याद रखें। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना, ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया था। तो इन्हें 2013 में आईपीएल के 6वें संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे अजीत चंदेला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किए गए थे, ये काफी ज्यादा चर्चे में था और अभी भी चर्चे में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अजीत चंदेला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किए गए थे 2013 में जो आईपीएल का 6वां संस्करण था, तो उस दौरान स्पॉट फिक्सिंग का आरोप इन पर लगा था और इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पर इनको अभी हाल ही में ये प्रतिबंध बीसीसीआई के द्वारा हटाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा गया, ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे थे, ये तीनों जो खिलाड़ी हैं अजीत चंदेला, श्रीसंत और अंकित चौहान, ये तीनों राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे थे, और अभी हाल ही में इनको मतलब प्रतिबंध से हटाया गया है। तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात आई है आईपीएल की, तो आईपीएल से संबंधित कुछ जानकारी उन्हें देख लेते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग भारत की एक T20 क्रिकेट लीग है जो कि आमतौर पर हर साल मार्च और मई महीने में 8 टीमों के द्वारा भारत के 8 अलग अलग शहरों या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है,
और इसकी जो स्थापना हुई थी, इस लीग की स्थापना 2008 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में इसके चैंपियन जो है आईपीएल के, ये हैं मुंबई इंडियंस, जो कि 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया टीम जो इसमें भाग लेती है, ये 8 टीमें भाग लेती है। तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहाँ से आईपीएल से आप याद रखिएगा। इस बार जो 2021 में आईपीएल का मतलब आयोजन हुआ था, जो कि रद्द कर दिया गया, हालांकि ये सितंबर माह से स्टार्ट होगा, जो कि सितंबर से अक्टूबर तक खेला जाएगा, ये दुबई में ये प्रस्तावित किया गया है। और यहाँ पर इस वर्ष जो मतलब ये सीजन है ये आईपीएल का, ये 14वां सीजन है, ये भी बात आप याद रखिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे आपको एक जानकारी दे दूँ कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली कुछ ईबुक लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर सारे ईबुक को देख सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, सारे के सारे आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे फेड ग्रुप को भी ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकेश शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, यही है मुकेश शर्मा, जो कि मतलब IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। इन्हें भी हाल ही में इस मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्यों को दुनिया भर से चुना जाता है, जिसे कि WHO के महानिदेशक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बीपीएल परिवारों को कितने रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोरोना महामारी के कारण परिवार के वयस्क या फिर कमाने वाले सदस्य को खोने वाले बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि वैसे परिवारों को यहाँ पे चुना जाएगा, सबसे पहला कंडीशन ये होना है कि ये बीपीएल परिवार होंगे, और बीपीएल परिवारों में वैसे वयस्क जो कि मतलब कोरोना संक्रमण के दौरान या फिर वयस्क या फिर जो भी कमाने वाले मतलब लोग थे, परिवार के सदस्य थे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर मतलब कि दिया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कर्नाटक सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य के खजाने पर 250 से 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में नाटो संगठन ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन को अभी हाल ही में नाटो के द्वारा वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया है। आपको इसके बारे में बता दूं कि नाटो के नेताओं के अनुसार चीन सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है, तो इसे ध्यान रखते हुए वैश्विक सुरक्षा चुनौती के तौर पर चीन को घोषित किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है यहाँ पर नाटो की, तो नाटो के बारे में आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने आपको कल भी बताया था। तो हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के नेताओं की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल बेल्जियम में आयोजित किया गया था, और यहीं पर चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया है। तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहां से आप याद रखिए। ये अंतरराष्ट्रीय जितने भी मतलब की घोषणाएं होती है वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी समझौते वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताता हूं। ये रेगुलर आप देखिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं इसे देखने का आप आदत बनाइए। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो मनाया गया है ये 16 जून 2021 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में बता दूं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो कि हर साल 16 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे जो मनाने की शुरुआत हुई थी ये संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा किया गया था, और इस दिन यह दिन उन प्रवासी मजदूरों के लिए मनाया जाता है जो कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए पैसा घर भेजते हैं, यानी कि दूसरे जगह पर रहकर विदेशों में या फिर दूसरी जगह दूसरे राज्य में दूसरे देश में रहकर अपनी कमाई को बढ़ाते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए वहां से रुपया भेजते हैं। तो उसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया 16 जून 2021 को। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए। उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने वेबाटेक के 5वें संस्करण के मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वेबाटेक के ये 5वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबाटेक के 5वें संस्करण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि 2016 से हर साल पेरिस में हो रहे यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक वेबाटेक 2021 में संबोधन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री
मोदी को आमंत्रण किया गया था, जिसका कि अभी हाल ही में ये भाषण दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये पांचवां संस्करण था, यह भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कुछ जानकारी है उन्हें देख लेते हैं। इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, और ये 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और वे वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे, इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2021 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं, तो ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में RTI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड इलाज हुआ है, यानी कितने लोगों का कोविड संक्रमण का इलाज हुआ है आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया था मैंने, सारे के सारे चीज़ें वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप डिटेल में लिखते हैं तो आपके दिमाग पर जोर पड़ता है, और जब आप लिख देते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आपको यहाँ पर मैं आपको इस PDF के बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में इस PDF को लॉन्च किया गया है। इसका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई उसके प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस PDF की अगर बात किया जाए तो इसमें 2500 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस तरह के PDF आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, इस तरह के PDF बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। इसका कीमत 100 रुपये है, आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वहीं से आपके एग्जाम की रूपरेखा आपको समझ में आती है, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी समझ आपको वहीं से आती है। तो इसी दृष्टिकोण में वो ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया था, आप लोग इसका लाभ उठाइए, केवल और केवल 100 रुपये में ये आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको पेड ग्रुप से जुड़ी जानकारी दे दूँ। अगर आप घर बैठे सरसरी BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आपको Pre-21 लिख के मैसेज करना है, ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस पेड ग्रुप में जो चीज़ें प्रोवाइड होगी वो टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स होगा 1 साल का, और संपूर्ण बिहार जी के BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इतिहास के कुछ PDF होंगे, तथा 2020 का जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स का PDF होगा वो सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे के सारे मटेरियल मतलब PDF फॉर्मेट में होंगे और बेहतर क्वालिटी का होगा। आपको अगर डेमो PDF देखना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें Pre-21 लिख के मैसेज कीजिए, आपको डेमो PDF मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे कि ये PDF आपको लेना या फिर नहीं। इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये 1 वर्ष के लिए वैलिड है। तो ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।